हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। कैसे हैं आप लोग? देखिए दोस्तों, इस वीडियो सेगमेंट में बात करने वाले हैं ऊर्जा का रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, जो विभिन्न उपकरणों द्वारा किस तरह से एनर्जी को एक वे से दूसरे वे में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं रूपांतरण। स्वागत है, मेरा नाम है सतीन और फिर से मैं स्वागत करता हूँ। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल से, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, इस तरह के नोटिफिकेशन और अपडेट आप लोगों तक पहुँचते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कोई सा भी एग्जाम हो एक क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता है लगभग। तो विद्युत सेल जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक सेल, वो रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका उदाहरण है बैटरी। मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा में या प्रकाश ऊर्जा में चेंज करती है, ऊष्मा यानी हीट को, यानी मोमबत्ती से हम गर्म भी कर सकते हैं, उसके नीचे मोमबत्ती या बर्नर को जला के, और इसी से उसको प्रकाश ऊर्जा में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। विद्युत बल्ब, विद्युत ऊर्जा मिलेगी, ऊष्मा मिलेगी और प्रकाश यानी गर्म भी होगा वातावरण विद्युत बल्ब से, और ऊर्जा प्रकाश भी होगा, ठीक है। इसको इसको अपने जो व्यावहारिक नॉलेज है, व्यावहारिक लाइफ है, उसको आप इसको इंक्लूड करें तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। पहले बार डायनामो जनरेटर से चलता है, ठीक है, यानी यांत्रिक मैकेनिकल एनर्जी उसमें आपको लगानी पड़ेगी, यानी फोर्स लगाना पड़ेगा उसको, वो चलाना पड़ेगा, तो उसे मैकेनिकल वर्क बोलते हैं, एनर्जी होगी तो वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हीटर। हीटर में विद्युत ऊर्जा से प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा, विद्युत आएगी तो वो प्रकाश करेगा और साथ में गर्म भी यानी हीट भी उसमें उत्पन्न होगी। विद्युत घंटी यानी विद्युत बैल होती है, विद्युत ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा होगी तो ध्वनि ऊर्जा उसमें से निकलेगी। सौर सेल आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। सौर सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी प्रकाश ऊर्जा उसमें मिलती है जो सोलर पैनल होते हैं, और उससे फिर विद्युत निकलती है, ठीक है। विद्युत प्रकाश ऊर्जा को यानी लाइट एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉनिक लाइट में इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। नेक्स्ट है मोटर, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है, बहुत ही अच्छा है ये। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मोटर होती हैं जिनसे ट्वेल या पंप वगैरह चलते हैं, फिर बाद में वो पानी वगैरह या पंपिंग करके मैकेनिकल एनर्जी बाहर निकालते हैं। लाउड स्पीकर, विद्युत ऊर्जा से विद्युत ध्वनि ऊर्जा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लेंगे। नेक्स्ट है सितार, यांत्रिक ऊर्जा से यानी इस पर कुछ वर्क हो रहा है, मैकेनिकल वर्क यानी मैकेनिकल एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा निकलेगी। फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल, प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा इसमें निकल होगा। ट्यूबलाइट जिसमें CFL LED होता है, फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में मुझे LED की फुल फॉर्म और CFL की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, इससे विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा होती है। माइक्रोफोन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे देख लेंगे। ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा माइक्रोफोन से होती है और काफ़ी बार ये एग्जाम में आ चुका है, ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट है ताप विद्युत घर, तो ये परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में संबंधित है, ठीक है, ये भी काफ़ी बार आ चुका है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और फ्रेंड्स UPPCS जिन लोगों का है, अगर वो पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाह सकते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं पेड ग्रुप के लिए, और क्योंकि पेड ग्रुप में मैं इसी तरीके के सेलेक्टेड टॉपिक्स और क्वेश्चंस और वॉइस रिकॉर्ड आप लोगों के लिए भेजता रहता हूँ, तरह के गाइडेंस और मोटिवेशन आप लोगों के लिए वहाँ पर मिलते रहेंगे, टोटल करंट अफेयर सब उसमें मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें।